हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको श्रद्धा। और जो मेरे चैनल में नए जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते, थंबनेल देख के समझ में आया ही होगा आई गेस कि हम लोग को एलएन ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग एलएन ज्वाइन करें या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, उससे पहले पता हो हमें। तो सबसे पहली बात, अगर हम स्कूलिंग किए हुए हैं 11th 12th, जैसे मैंने 11th 12th भी स्कूलिंग करा था, और बाकी लोग जैसे कि 10th तक में जो भी स्कूलिंग वगैरह करा है, तो यार अगर आपके पास ये चीज़ लेके मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 10th के बाद ही 11th 12th वहीं से करो, तो इट्स ओके, नाइस, वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि मुझे भी लगा था कि 11th 12th काश मुझे कोचिंग से प्रिपरेशन करना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड्स का मार्क्स बस एटलीस्ट 50% पास होना चाहिए, बट मेरा 95% है, दैट डजंट मैटर। क्योंकि वहाँ पे आके कोई उतना बोर्ड्स का मार्क्स मतलब मैटर ही नहीं कर रहा था यार, लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि यार यहाँ पे तो वापस नीचे आ गए हैं हम टाइप का। फिर उसके बाद इसलिए अगर कोचिंग ज्वाइन करने का पहले से है तो आप लोग ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि वो फ़ायदा ही होगा यार। काफ़ी चीज़ हमें तो होता है ना कि पढ़ाई लेके अभी नीट लेके, तो काफ़ी चीज़ का आइडिया लगेगा। तो हाँ, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो अगर आपने 11th 12th स्कूलिंग करा है या फिर जैसे जो 10th तक स्कूलिंग किए हैं नर्चर एंथ्यूज में जाना चाहते हैं, तो हम लोग को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्लास 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट का होने वाला है। सबसे बड़ा धक्का तब लगता है क्योंकि एक तो सुबह वाला बैच जिसका रहता है तो नींद ही नहीं खुलती यार, नींद का मैं क्या करूँ, वाला हवाल हो जाता है, लगता है क्यों उठा रहे हो भाई सुबह। पहले स्टार्ट में जो उसमें उठा भी जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट लगती है कि क्यों उठा रहे सब सुबह। तो ये चीज़ का हमें आदत नहीं होता है कि हम कंटिन्यूसली इस घंटे पे इतने देर के लिए बैठ सके एक जगह पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्कूल वगैरह में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट्स का ही क्लास होता है, और इस घंटे के बाद में 10-15 मिनट का हमारे पास ब्रेक होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि मिले यार, क्योंकि टीचर्स लोग वो ब्रेक भी ले लेते हैं, कोई कोई टीचर्स ले लेते हैं वो ब्रेक। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक आपको सेम मिले, मतलब स्टार्ट में तो मिल ही जाता है वो ब्रेक टाइम पे, बट जैसे जैसे पास आते हैं हम उसके बाद तो वो ब्रेक का टाइम बहुत छोटा होता जाता है, ये हो जाता है प्रॉब्लम। ये ध्यान रखना है आपको, अपने मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ना कि मैं, अगर मुझे पता होता तो मैं और भी मेंटली प्रिपेयर होके जाती ये सब चीज़ को लेके, तो ये सब का आइडिया उस टाइम रहना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट ही एक दिन चल रहा होगा, आपका लगातार चार पीरियड टाइप का होता है वो लोग का, ठीक है। तो आपका बायो 2 चल सकता है, 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री चल सकता है, 2 फिजिक्स 1 बायो 1 केमिस्ट्री चल सकता है, मतलब ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये चल सकता है, तो एक सब्जेक्ट लोड जाएगा ही जाएगा, डोंट वरी, वो लोड जाने वाला है, ठीक है। तो यार 4 सब्जेक्ट और चारों में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं, आपको वो चैप्टर्स, क्योंकि यार एक मंथ में ऑलमोस्ट 9 to 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उनके, तो हमें याद रखना है कि उसे हर टाइम हमें रिवाइज करते जाना है जल्दी, आज के आज रिवाइज करो, आज का जो टास्क दिया हुआ है आज के आज कंप्लीट करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाला है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट चैप्टर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा है कि दो चैप्टर, मतलब जैसे कि एक होता है ना 2 सब्जेक्ट आपका, सब चीज़ बराबर चल रहा होगा, मान के चलो आपका वीक में ना 6 टीचर्स ही नॉन टू हो जाओगे, क्योंकि 6 टीचर्स आ रहे होंगे अप्रॉक्स, 4 टीचर मतलब, तो नहीं होता है ऑल्टरनेट डेज पे ही आए या जो भी, बट 6 टीचर्स रहते हैं मिनिमम भी, ठीक है। तो 6 टीचर्स आ रहे हैं, मतलब 6 चैप्टर्स आपके एक साथ चलने वाले हैं, और ऊपर से मान के चलो कि फिजिक्स में भी 2 चैप्टर, ठीक है, अलग अलग चलने वाले हैं। अब आपको दोनों कहीं मिक्स ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद नींद बहुत आती है सुबह को, तो स्टार्ट करना कि अभी से ही, मतलब जो जाने वाले हो उठने की कोशिश करना, कॉफ़ी वगैरह ले लेना स्टार्ट में ताकि नींद ना आए, और भूख बहुत लगती है बीच में, तो ब्रेकफास्ट जो हॉस्टल से मिल रहा है तो उसे ले लेना, और अगर नहीं भी लेते हो तो आपका एलएन में कैंटीन है, बट वहाँ पे ऑयली थोड़ा रहता है, मतलब ऑयली क्या, बट वहाँ पे सब जगह बाहर खाओगे तो ऑयली रहेगा, राइट। तो वहाँ पे ब्रेड चॉप वगैरह मिल जाता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी मिलता है, तो वो भी ध्यान रखना। ये सारा चीज़ हो गया। और सबसे पहली बात कि जो भी टॉपर्स होते हैं, मतलब सबको लगता है ना कि मैं पहले फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा, तो वो चीज़ मेरे में भी था कि मुझे फर्स्ट बेंच में
बैठ के एक्सपीरियंस करना कि यहाँ पे क्या होता है। और ऊपर से ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे क्लास में, क्योंकि एक क्लास में आई गेस 150 तक तो रहते ही होंगे या उससे अबव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बेंच है उसमें 6 जन रहते हैं, ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा बेंच रहता है, उधर 4 जन, बीच में 6 जन, फिर 4 जन, ऐसे करके लंबा जाता है पीछे तक। और वो डोंट वरी कि ऐसा नहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा अबव में, तो एक होता है ना हाई टेक का रहता है तो दिख जाता है ऑर्डर वाइज में, और सर थोड़े, सर लोग का थोड़ा सा स्टेज बना हुआ है तो हाइट पे रहते हैं, ठीक है ये है। और दूसरा कि फर्स्ट बेंच, आप जब, मैं जब गई थी ना पहली बार, तो मैं सोच रही थी ये लोग हमेशा ही क्यों फर्स्ट बेंच पे बैठ जाते हैं, क्या सीट फिक्स, मतलब फिक्स हो गया है कि क्या, क्योंकि मैं पहले गई तो मैं सोचती कि जितना भी जल्दी जाऊं, मैं सोची कि चलो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कल और 25 मिनट पहले चली जाती हूँ। फिर भी मैंने देखा फर्स्ट सीट रिजर्व हो चुका था, मैं बोली कि फर्स्ट सीट पे फिर बैठ गए हैं लोग, क्या बात है। तो मैंने बस उनसे पूछा था, एक लड़की से जो आगे बैठी थी, कि भाई मतलब वैसा सीट फिक्स हो गया है क्या कि आप लोग फर्स्ट में बैठ जाते हो ऐसा टाइप्स। तो वो लोग बोले कि हम लोग जल्दी आते हैं, मैंने बोला कितना जल्दी, मैं भी जल्दी आई हूँ आज तो फिलहाल। तो बोलते हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा से बैठे। मैं शॉक्ड कि भाई सीट के लिए 1 घंटा पहले कैसे आना पॉसिबल है, क्योंकि 6 बजे से क्लास स्टार्ट होते हैं, मतलब 6:30 या 7 में स्टार्ट होता है, ठीक है 6:45 या 7 ऐसा से स्टार्ट हो रहा होता है जनरली मॉर्निंग बैचेस, ठीक है। तो मैं सोचती फिर भी 5 बजे हम लोग अभी उठते हैं, या फिर अब भाई 4 बजे उठेंगे तब 5 बजे आ पाएंगे, ऐसा टाइप का है। तो फिर खैर, तो ये चीज का प्रॉब्लम है। और फर्स्ट बेंच वाले को क्या प्रॉब्लम होता है और लास्ट बेंच वाले को क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट बेंच वाले में ये प्रॉब्लम होता है कि ऐसे देखना पड़ता है तो थोड़ा सा गर्दन दुखने का चांसेस है, तो कोशिश करना बीच में बैठने का। अगर आपको ऐसा कुछ हाइप नहीं है कि मुझे फर्स्ट में ही बैठना है तो आप बीच में बैठ सकते हो, क्योंकि मैं भी लास्ट में बीच में आने लगी थी या फिर लास्ट टाइप में, क्योंकि लास्ट से क्या होता है, बीच में क्या होता है भाई बैठो थोड़ा सा झुको ना, थोड़ा सा झुको ना, या फिर कोई पीछे से बोल रहा होता है झुको ना, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और लास्ट में क्या रहता है कि वो बहुत हाइट पे रहता है, ठीक है, तो ये सीधा दिख जाता है क्लियरली, तो वो चीज का भी है। और टीचर्स ऐसा मत सोचना कि पीछे टीचर्स ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैं भी जब पीछे बैठी थी तो टीचर्स लोग से कॉन्टैक्ट, मतलब स्पेशली मेरा सेकेंड ड्रॉप में मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी कोई भी डाउट पूछने से, आप लोग भी बिल्कुल मत हिचकिचाना। और चलो हाँ, डाउट का भी सबको कंफ्यूजन होता है कि डाउट का क्या है, 14 कि सबको डाउट को लेके प्रॉब्लम होता है कि डाउट हम लोग कब पूछेंगे, ठीक है। तो डाउट का हम लोग को जैसे कि क्लास टाइम में पूछने का ऑप्शन दिया जाता है, बट अगर सिलेबस जैसे नीट पास है और उतना टाइम नहीं है और वो डाउट्स बस आपको इंडिविजुअली आ रहा है पूरे क्लास को नहीं आ रहा है, तो सर कहते हैं जैसे जो क्लास खत्म हो जाता है तो 15 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक होता है, आप डाउट में जा सकते हो, उस टाइम बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन बट उसके बाद अगर आप सर से बोलते हो कि सर मुझे टाइम नहीं मिली, आप कब बता सकते हो, तो सर लोग आपको पर्टिकुलरली टाइम बता देंगे अगर आपको अपने ही टीचर से डाउट समझना है तो। नहीं तो आपको फिर ऑप्शंस है आपके पास, डाउट टाइम मतलब डाउट काउंटर है, उसमें आप कोई भी टीचर से वो डाउट पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि वो टीचर नहीं बताएंगे सही से, ठीक है। बट ये फायदा जैसे होता है ना, मन होता है कि मैंने ये टीचर से पढ़ाया है तो ये कॉन्सेप्ट वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे टाइप का एक डाउट आ जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, ये सब चीज का ध्यान रखना। और बाकी कुछ एलएन ज्वाइन करने से पहले ये याद रखना कि एक्स्ट्रा बुक्स, यार एक्स्ट्रा बुक्स मुझे लगता है कि स्टार्ट में ही थोड़ा मोड़ा काम आया तो आया, बट बाकी टाइम तो यार एलएन वाले इतने मॉड्यूल्स दे देते हैं, इतने मॉड्यूल्स दे देते हैं, और सब में क्वेश्चंस का भरमार रहता है यार, चाहे वो असर्शन रीजन टाइप का हो, मैच द फॉलोइंग हो, क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, सबका क्वेश्चन का भरमार है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप बाकी बुक्स एचसी वर्मा वगैरह पे भी जाओ, बट हाँ टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व तो करोगे थोड़ा मोड़ा, बट जैसे जैसे लास्ट आता है एग्जाम पास आने लगता है, तो स्पेशली एनसीईआरटी को तो स्टार्ट से ही लेके चलना। टीचर्स लोग बोलो बोलते हैं कि मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉड्यूल से नहीं पढ़ने पे मार्क्स टेस्ट में थोड़े कम आते हैं, बट आपके जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे मेजर्स जो नीट एग्जाम के कुछ टाइम पहले होते हैं उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, तो एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलना क्योंकि टीचर्स लोग मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्ट में, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी साथ साथ खुद से कवर करते जाना, एक ही बार एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लग सकता है, इसलिए आज जितना टॉपिक है उसे आज के आज कवर कर लेना हॉस्टल जाके, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले और एलएन को भी ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग बाय बाय, होप आपको ये सब चीज हेल्पफुल लगा हो, तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।